आज हम बात करते हैं सरसों के फसल के बारे में। आए दिन सरसों का तेल बहुत महंगा होता जा रहा है। इसका वजह कहीं ना कहीं मौसम है, जो आए दिन तेज हवाओं के साथ वर्षा और पत्थर की वजह से सरसों का फसल बर्बाद हो जाता है। और कुछ हम इंसानों से गलतियां हो जाती है, जो हमें इनका पूर्ण नॉलेज नहीं होता कि कम खेती में अधिक फसल कैसे पैदा करें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सरसों की खेती कैसे करनी चाहिए। सरसों की बुवाई का समय। सरसों की बुवाई के लिए उपयुक्त तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बारानी में सरसों की बुवाई 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। सरसों की बुवाई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सरसों की खेती मस्टर्ड फार्मिंग मुख्य रूप से भारत के सभी क्षेत्रों पर की जाती है। सरसों की खेती मस्टर्ड फार्मिंग हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की एक प्रमुख फसल है। यह प्रमुख तिलहन फसल है। सरसों की खेती मस्टर्ड फार्मिंग खास बात है कि यह सिंचित और बारानी दोनों ही अवस्थाओं में उगाई जा सकती है। इसका उत्पादन भारत में आदिकाल से किया जा रहा है। इसकी खेती भारत में लगभग 66.34 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है, जिससे लगभग 75 से 80 लाख उत्पादन मिलता है। सरसों की यदि वैज्ञानिक तकनीक से खेती की जाए तो उत्पादक इसकी फसल से अधिकतम उपज प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसान खेती में वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो पैदावार ज्यादा मिलती है, साथ ही फसल कीटों व रोगों के प्रकोप से बचती है। इसके अलावा फसल की लागत कम आती है। इस तरह किसानों को सरसों की फसल से ज्यादा फायदा होता है। मगर कई बार अधिक बारिश या फिर बेमौसम बारिश से किसानों को फसलों में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मौजूदा वक्त की बात करें तो धान की फसल पककर तैयार हो गई, लेकिन बारिश से खेतों में पानी भरा गया, जिससे खेत में खड़ी फसल खराब हो गई। ऐसे में किसानों को इन सभी बातों से सबक लेते हुए सरसों की खेती तरफ रुख करना चाहिए। बता दें कि सरसों की बुवाई अक्टूबर में होती है, इसलिए किसानों को सरसों की खेती वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए चाहिए। सरसों की वैज्ञानिक खेती करने का तरीका तक कर ले। एक एकड़ खेत में करीब 1 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल करें। बुवाई के समय 100 किग्रा सिंगल सुपरफॉस्फेट, 35 किग्रा यूरिया और 25 किग्रा म्यूरेट ऑफ पोटाश का छिड़काव करें। के बाद एक हफ्ते के भीतर खरपतवार की रोकथाम के लिए उपाय करें। खरपतवार को रोकने के लिए पेंडीमेथालिन 30 एक केमिकल की 1 लीटर मात्रा 400 लीटर पानी में मिलाकर छिड़क दें। बुवाई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई करते समय घने पौधों को निकाल दें। खेत में पौधों के बीच लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो वही पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फसल में पहली सिंचाई 35 से 40 दिन बाद करें। अगर जरूरत पड़े तो दूसरी सिंचाई दाना बनते समय कर दें। ध्यान रहे कि सरसों में फूल आने के समय सिंचाई ना करें। Thank you.
Thank you.